एक नजर डाल लेते हैं। राम रहीम दोषी करार दिए गए हैं और उसके बाद से उनके समर्थकों की गुंडागर्दी लगातार जारी है। पंचकुला में 100 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई हैं, जिनमें 2 OB वैन भी मीडिया की शामिल है, यानी कि मीडिया के ऊपर भी हमला किया गया है। पंजाब के बठिंडा मानसा मलोट स्टेशन में आगजनी की खबर है, वहां पर भी भारी तादाद में बाबा के समर्थक मौजूद है। गिदरबाड़ा स्टेशन पर तोड़फोड़ किया है बाबा के गुंडों ने, इसको रोक पाने में पूरी तरह से हरियाणा की खट्टर सरकार नाकाम रही है। मुक्तसर के मलोट में पेट्रोल पंप में आगजनी की गई है, जगह जगह से आगजनी की तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही है। राम मंडी में टेलीफोन एक्सचेंज में आगजनी की खबर सामने आई है। संगरूर में बिजली घर में आग लगा दी गई है, बिजली घर को ही आग के हवाले कर दिया है बाबा के इन गुंडों ने। मोहाली के सोहाना में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है, यानी कि जहां जिसको जगह मिला बाबा के इन गुंडों ने वहां पर तोड़फोड़ आगजनी की है। मानसा में इनकम टैक्स बिजली घर में आगजनी की भी खबर।